पर क्राउडेड है, एक नेट से दो नॉक्स भी निकल आ सकते हैं, लेकिन T2K के प्लेयर्स फिलहाल लोअर ग्राउंड पर है। आईएट के घोस्ट का बेहतरीन नेट और स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के टॉप को लॉबी का रास्ता दिखाते हुए स्मोक्स मेरे ख्याल से एक वाइटल रोल प्ले करने वाले, T2K के दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट डाउन करते हैं। जेन आखिरी बुलेट की मार रह चुके और जेन भी नॉक डाउन हो जाएंगे। संदेश इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर। थ्री सिचुएशन है, टीम आईएट हैज दैट प्रोबेबिलिटी टू विन दिस मैच, 1v3v4 सिचुएशन एंड उसम का स्प्रे आता है। उसम और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो इस वक्त जो डुओ साबित हो रहा है, गोस्ट का टेडी डुओ साबित होगा, रेज को इस मैच से बाहर किया जाएगा। संदेश आखिरी प्लेयर है, गाड़ियां यहाँ पर जो मार्च इन करते हुए लॉन्ग मार्च यहाँ शुरू हो जाएगा। संदेश एक नॉक करेंगे, दूसरे को डैमेज देंगे, लेकिन दूसरा प्लेयर नॉक होना ही था कि बैकेंड से कवर आएगा और टीम दो प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके। सील यहाँ पर मुंह के ऊपर पुश करती हुई टीम आईएचसी इस मैच को बेहतरीन बना सकती थी, लेकिन अभी तक के लिए नजर ये आ रहा है कि टीम आईएचसी इस मैच से एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें टीम आईएचसी के, एलेक्स यहाँ पर मौजूद है और उनको भी कंफर्म कर दिया जा चुका है इस मैच से, एलेक्स का किल कंफर्म। सील स्पोर्ट्स स्क्वाड के ऊपर उनकी तरफ से पुश किया जाएगा। लुक एट द फॉर्मेशन, अभी तक के लिए बेहतरीन तरीके से उसी साइड से पुश किया जा रहा है जहां पर थोड़ी देर पहले सील मौजूद थी और एवी को पुश आता हुआ। सील के डेमो हार्ड कवर यहां पर लेते हुए गुड ड्रॉप का कवर उनकी तरफ से लिया जाएगा, काफी ज्यादा डैमेज एक्सचेंज किया जाता है उनको एंड टीम I8 विल मेक श्योर दैट दे डील विद दैट थ्रेट इन फ्रंट ऑफ देम और सर्कल लेने में भी टीम कामयाब हो चुकी है। बिकॉज टीम सील का भी सर्वाइवल काफी मुश्किल में पड़ता हुआ। बिल्कुल आदिन, हर टीम ही मुश्किलात का सामना कर रही है। टीम आईएट के उज़्म वहां पर टीम स्काईलाइट गेमिंग के एजे को नॉक करने में कामयाब, स्काईलाइट गेमिंग के माफिया निंजा को भी टेक डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। एक ही जगह पर स्काईलाइट गेमिंग के सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। एक नेड, सिर्फ एक नेड की कहानी है, अकेले प्लेयर रह चुके हैं स्काईलाइट के ग्याल्ज़न, आईएट के ब्लेड कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही जो है वो पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन फीट के अंदर टीम T2K वर्सेस टीम R3G की फाइट भी हमें होती हुई नजर आएगी। थोड़ा टाइम रह चुका है, डेल्टा इस लो एचपी, डेल्टा को यहाँ पर डैमेज दे के फिनिश दिया जाता है, लेकिन किलर वाइट ही दूसरी तरफ उज़्म को कंफर्म कर देंगे। लेकिन DRS के किलर वाइट के ऊपर I8 का एक पुश आता हुआ, टीम DRS is now in the rubbles, ek ek karke unke players hame yahan pe eliminate hote hue nazar aate hain, and DRS is now left with the rebel only jo ke akele apni team ka beeda sambhalte hue hame nazar aayenge।